लेने वाले नेता की है और शायद यही जरूरत भी थी कि लोक लुभावन नीतियों के बजाय सही फैसले लिए जाए भले ही थोड़े वो कड़े हो। जी हाँ डेफिनेटली, देखिए इनकी छवि में बात मेरे को वैसे बार बार ध्यान आ रहा है, जैसे जब कोई कंपनी सिक हो जाती है ना तो टर्न अराउंड सीईओ लाए जाते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं टर्न अराउंड करने में। तो इस समय होप ऋषि सुनक से है कि टर्न अराउंड कर देंगे ब्रिटेन की शिप को, ब्रिटिश इकोनॉमी को, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी कल परसों ही जो बजट अभी अगले आने वाला है जी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बजट ऐसा होगा कि लोगों की आंखों में पानी ला देगा जी। ओके, जेरेमी हंट जो अभी है और मोरलेस वही बजट आएगा शायद 31 अक्टूबर को जी। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा बजट लाना पड़ेगा जिसके चलते लोगों की आंखों में पानी भर आएगा जी। तो ब्रिटेन के आने वाले वक्त में बड़े कड़े दिन आने वाले हैं। ऋषि सुनक के पास चैलेंजेस होंगी। वंस अगेन रिपीट, इनके पास कोई सिल्वर बुलेट, कोई मैजिक स्टिक नहीं है। ओके, ये तो जो कह रहे हैं जो करेंगे वो एक्सपेक्टेड है कि कुछ मदद होगा, बट मार्केट्स कहाँ जाएंगी, एनर्जी प्राइसेस कहाँ जा रही है, कैसी विंटर आने जा रही है यूरोप में, कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि मार्केट्स और कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए अभी तो अब आज उनका पार्टी लीडरशिप अनाउंस हो गई है, ऑटोमेटिकली वो देश के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। शायद आने वाले 2-3 दिनों में इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। इन्हें इनवाइट करेंगे किंग चार्ल्स के पास, जो फॉर्मली बस वो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये हर्डल था कि पेनी मॉर्टसन क्या करती है, क्या वो 100 से ज्यादा वोट ले पाती है, नहीं ले पाती है। अगर वो ले, अगर उसका वाइड मार्जिन है 100 के बावजूद भी, तो क्या वो विड्रॉ करती है कि नहीं करती है। तो ये सारी अनसर्टनिटीज जो है खत्म हो गई हैं। और इस तरह से जो इनके जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दी थी उससे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी रहा हो, किसने कितने वोट डाले हो, वो एक मैसेज ये करना चाहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर काफी यूनिटी रिस्टोर हो गई है एंड अब यहाँ से आगे जो है हम देश के लिए पार्टी काम करने वाली है। तो अब आने वाले 2 साल हैं ऋषि सुनाक के पास भी, कंजर्वेटिव पार्टी के पास भी। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, देश को इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस कही है या इकोनॉमिक डिफिकल्ट सिचुएशन है, आगे की चुनौतियों पर मल्होत्रा साहब धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आगे के 2 साल से पहले अगले 2-4 दिन की बात रविंद्र सचदेव, ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि समझ में आए प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अभी तो सांसदों ने ये ऐलान किया है कि हम ऋषि सुनक को समर्थन करते हैं, उनके साथ, लेकिन अब इसके आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी धीरे धीरे। देखिए जो अभी तक प्रोसेस था उसमें ये था कि आज के शाम तक दोपहर 2 बजे तक अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट आता है तो जो इनकी पार्टी के पेइंग मेंबर्स हैं 1,60,000-70,000 उनको इलेक्ट्रॉनिक बैलेट द्वारा फ्राइडे को वोटिंग होगी और फ्राइडे शाम को रिजल्ट आ जाएगा, राइट, और वो बनेगा प्राइम पार्टी का लीडर और प्राइम मिनिस्टर। अब सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ऋषि सुनक को क्लियर कट एक ही कैंडिडेट बचे पार्लियामेंट के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे सहमति हुई। तो अब केवल ये होगा आई थिंक कि फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर एज अ इनॉग्रेशन या टेकिंग ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो शायद कहा जा रहा है कि वो फ्राइडे को होगा। ओके, अभी ये पार्टी अपना डिक्लेयर कर देगी एंड देन यू नो प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो आई थिंक फ्राइडे को होगा अगले 2-4 दिनों में, अगर उस प्रोसेस को हम आगे देखें तो।